हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? पूरा यकीन है मुझे कि आप अपने अपनी जगह पर सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। आज जिस बिज़नेस के बारे में आपसे बात करने वाली हूँ वो बिज़नेस काफ़ी चटपटा है, तो आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं बहुत ही कम लागत में। लेकिन वीडियो को अंत तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब का बटन दबाइए और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आपको हमारे वीडियोज़ कैसे लग रहे हैं, बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाइएगा। तो आज जिस बिज़नेस को लेकर आई हूँ वो है पानी पूरी और चाट का बिज़नेस, यानी कि लड़कियों का फेवरेट। तो अगर आप किसी लड़की के साथ या फिर आप अपनी वाइफ के साथ जा रहे हैं, अपनी दोस्त के साथ जा रहे हैं, तो पूरा यकीन है कि कहीं भी वो गोलगप्पे या चाट की रेडी देख लेना तो रुकती ज़रूर होगी कि भैया कुछ गोलगप्पे खिला दो। और उसके बाद जो डिमांड्स होती हैं, मीठा थोड़ा कम डालिएगा, तीखा ज़्यादा कीजिएगा। वैसे मुझे पर्सनली तीखा ज़्यादा पसंद है। तो चलिए आज इस बिज़नेस की बात करते हैं और आप भी बताइएगा कि आपको गोलगप्पे किस तरह के पसंद हैं। तो देखिए पूरा वीडियो और साथ ही साथ अपने आइडियाज़ हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आप भारत के किसी भी क्षेत्र में आसानी से इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। किसी लाइसेंस या फिर दूसरी कानूनी चीज़ों की जानकारी होना भी आवश्यक नहीं है। साथ ही इसमें खासा मुनाफा भी कमाया जा सकता है। आइए अब हम जानते हैं कि हम पानी पूरी व्यवसाय एवं चाट मसाला व्यापार में किस तरीके से आप भी अपनी एक स्टॉल लगाकर मुनाफा कमा सकते हैं। कौन कौन सी चीजें होंगी आवश्यक? पानी पूरी बनाने के लिए आपको आटे की आवश्यकता होगी, जिसे सामान्य भाषा में मैदा बोला जाता है। साथ ही आपको थोड़े बहुत पानी की जरूरत होगी। ये कच्चा माल आपको मार्केट में किसी भी स्थान में मिल जाएगा। यदि आप अपने स्टॉल को एक ब्रांच के रूप में शुरू करना चाहते हैं तो आप होलसेल मार्केट से भी इन सामानों को एक साथ खरीद सकते हैं। पानी पूरी बनाने के लिए आवश्यक मशीन। पानी पूरी बनाने के लिए एक मशीन की आवश्यकता होती है, जिसे पानी पूरी मशीन बोला जाता है। इसमें मुख्यतः दो मशीनें काम में लाई जाती हैं, एक मशीन जो कि आटे या फिर मैदे को मिलाकर गूंथने के काम आती है और दूसरी मशीन इस मिले हुए मैदे की सहायता से पानी पूरी बनाती है, जो कि सूखे और कड़क गोल मैदा की बनी हुई एक आकृति होती है जो कि बेस्वाद होती है। मार्केट में आपको एक मशीन आराम से 30,000 रुपए तक के निवेश पर मिल जाएगी और यदि आप दोनों मशीनें एक साथ खरीदना चाहते हैं तो आपको 70,000 रुपए तक का निवेश करना होगा। इस मशीन को आप होलसेलर या फिर किसी रिटेलर की सहायता से खरीद सकते हैं या फिर आप इसे बनाने वाले मैन्युफैक्चरर से भी संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा कई लोकप्रिय वेबसाइट जैसे कि इंडिया मार्ट, मशीन फॉर वैल्यू इत्यादि की सहायता से ऑनलाइन भी इसे खरीदा जा सकता है। कितने निवेश की होगी आवश्यकता? यदि आप अपने व्यवसाय को छोटे स्तर पर शुरू करना चाहते हैं और एक मिक्सिंग मशीन और पानी पूरी बनाने वाली मशीन खरीदकर इस व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं तो आपको लगभग 70,000 रुपए का खर्च आएगा। साथ ही आपको अपनी एक स्टॉल भी खरीदनी होगी, जिसे या तो आप पहियों की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला सकते हैं या फिर आप अपनी एक स्थायी रहने वाली स्टॉल भी खरीद सकते हैं। 1,00,000 रुपए तक के निवेश में इस व्यवसाय को आसानी से बड़ा किया जा सकता है। कितना हो सकता है मुनाफा? वैसे तो मुनाफा आपके यहाँ आने वाले ग्राहकों की संख्या पर निर्भर करेगा। आप जितने अधिक ग्राहकों को आकर्षित कर पाएंगे उतना ही मुनाफा कमा पाएंगे। एक घंटे के काम में लगभग 300 रुपए तक की पानी पूरी बेच पाएंगे और यदि आप दिन में 7 से 8 घंटे तक अपनी स्टॉल पर काम करते हैं तो आप आसानी से 1,500 रुपए तक का सामान बेच पाएंगे। इनमें से 500 रुपए तक का खर्च निकालने पर आप आसानी से 1,000 रुपए का मुनाफा कर सकते हैं। इस प्रकार आप महीने में आसानी से 30,000 का मुनाफा कर सकते हैं, जो कि 1,00,000 के निवेश पर बहुत अच्छा मुनाफा माना जाएगा। आइए जानते हैं कैसे बनती है पानी पूरी। पहला स्टेप, सबसे पहले आपको मैदा या फिर अपने आटे को मिक्सर मशीन में डालना होता है। इसमें आप उतनी ही मात्रा का आटा डालें या मैदा डालें जितनी मात्रा में आपको पानी पूरी बनानी है। इसके बाद आप उस मशीन को शुरू करें और उसमें आवश्यकता अनुसार थोड़ा बहुत पानी भी डालें। ये मशीन पानी और मैदे को अच्छे से मिक्स कर देगी। दूसरा स्टेप, इसके बाद आप इस मिक्स किए हुए पेस्ट को निकाल कर पानी पूरी बनाने वाली मशीन में डालें, जो कि पानी पूरी को गोल डिज़ाइन प्रदान करती है। फिर आप इनको तेल की सहायता से तल लें। इस प्रकार आपके पास जो पूरी बनकर तैयार होगी इसे आप मार्केट में बेच सकते हैं। 1 किलो मैदे की सहायता से आप इस मशीन के द्वारा आसानी से 100 पानी पूरी बना सकते हैं और ये मशीन 1 घंटे में लगभग 5,000 पानी पूरी बना सकती है, जिनके लिए आपको 50 किलो मैदे की आवश्यकता होगी। स्टेप 3,
इसमें आप अलग से एक पानी की बड़ी टंकी या फिर बर्तन में पानी के साथ मसाले और कुछ चीज़ें मिलाएं और उस पानी को एकदम चटपटा बना लें। स्टेप 4, आप अपने पास रखे हुए किसी बर्तन में आलू, टमाटर, प्याज और दूसरे प्रकार के मसालों को मिलाकर एक पेस्ट बनाएं, जिसे उस पूरी को फोड़कर उसके अंदर भरना रहता है और उस पूरी को पानी में डुबोकर उसमें पानी भरकर लोगों को सर्व करना होता है। ये सब काम करने के लिए आपको 10 से 15 स्क्वायर फीट तक की जगह की आवश्यकता होगी, क्योंकि इन मशीन को लगाने के लिए बहुत ही कम जगह चाहिए। यदि आप इस व्यवसाय को बड़े स्तर पर शुरू करना चाहते हैं तो आप और अधिक मशीनें खरीद सकते हैं और अपने अंतर्गत दूसरे कर्मचारियों को काम पर लगा सकते हैं। इस व्यवसाय में आपको केंद्र सरकार से किसी लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है, परंतु कुछ राज्यों ने राज्य स्तर पर एक फूड लाइसेंस की व्यवस्था कर रखी है। आपके राज्य के अनुसार आपको उस प्रकार का लाइसेंस लेना होगा। इसके अलावा आपको GST पोर्टल पर रजिस्टर करवाकर अपना एक GST नंबर भी लेना होगा। कहाँ से सीखे पानीपुरी बनाने का स्किल या फिर कहाँ से ले इसकी ट्रेनिंग? जिस स्थान से आप अपनी मशीन खरीदेंगे, मशीन का निर्माता भी आपको पानीपुरी बनाने का तरीका बता सकता है, या फिर आप उससे थोड़ी बहुत रिक्वेस्ट करके ये तरीका सीख लें। इसके अलावा आप किसी बड़े पानीपुरी स्टॉल पर कुछ समय तक काम करके वहां पर काम कर रहे दूसरे लोगों से इस तरह की स्किल्स सीख सकते हैं। उसके बाद आप अपना खुद का स्टॉल लगाकर पानीपुरी और चाट बेचकर मुनाफा कमा सकते हैं। इन सब बातों के अलावा आपको कुछ और बातों का भी ख्याल रखना है, जैसे कि अधिक कंपटीशन वाले क्षेत्र में अपनी स्टॉल ना लगाएं, क्योंकि जैसे कि आप वहां पर एक नए व्यक्ति के रूप में स्टॉल लगाएंगे तो पहले से स्टॉल लगाने वाले लोग ही अधिक से अधिक ग्राहकों को अपनी तरफ खींच ले जाएंगे। इसलिए आपके शहर में कोई ऐसा ही स्थान ढूंढे जहां भीड़ भी अधिक हो परंतु कंपटीशन कम हो। हालांकि आपको एक या दो दिन का समय लग सकता है, परंतु एक बार ऐसे स्थान पर स्टॉल लगाने पर ग्राहकों को अच्छी सेवा प्रदान करके उनका विश्वास जीतने के बाद आप आसानी से इस क्षेत्र में बड़े व्यापारी बन सकते हैं। एक बार आप खुद अपने स्टॉल से मुनाफा कमाने के बाद इस तरह की दूसरी स्टॉल भी लगवा सकते हैं, जहां पर आप किसी कर्मचारी को काम दे सकते हैं। जैसे कि आपके पास पहले से ही मशीन लाई हुई है और उस मशीन से ही आप बहुत सारे गोलगप्पे बना सकते हैं, इसलिए आपको बहुत कम निवेश की आवश्यकता होगी जिसमें आप अपनी नई स्टॉल खरीद सकेंगे। तो ऐसे शुरू कर सकते हैं आप गोलगप्पे और चाट का बिजनेस। और साथ ही साथ मैं ये ज़रूर आपको बताना चाहूँगी कि जो भी बिजनेस आप शुरू करते हैं, क्योंकि हम लोग ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जिसमें हाइजीन बहुत मेंटेन करना है, तो कोशिश कीजिएगा हाइजीन मेंटेन कीजिए। हालांकि स्ट्रीट फूड्स में आप हाइजीन एक्सपेक्टेशंस करें तो बड़ा बेमानी सा लगता है, लेकिन स्टिल जितना हो सके उस चीज़ को हाइजीनिक रखने की कोशिश कीजिएगा। नमस्कार। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।